बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एस्टोनिया फाइनली अनाउंस कर चुका है अपना न्यू कोटा 2021 के लिए। दोस्तों, एस्टोनिया का जो ये न्यू कोटा होगा वो ज़्यादातर वर्क वीज़ा वालों के लिए होगा। जो लोग एस्टोनिया जाना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं वर्क वीज़ा पर, उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। साथ ही दोस्तों, कितनी सैलरी आपको वहां पर मिल सकती है और कैसे अप्लाई करना है एस्टोनिया का वर्क वीजा, ये तमाम की तमाम बात करेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजदीप और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, एस्टोनिया के इंटीरियर मिनिस्टर अलार लैंडमैन ने 3 दिसंबर 2020 को इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया था अपना न्यू कोटा, जो कि 2021 के लिए अनाउंस किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी न्यू कोटा होगा 1315 न्यू इमिग्रेंट्स का। ये लोग दोस्तों एस्टोनिया जा पाएंगे, साथ ही में वहां पर काम कर सकेंगे वर्क वीजा के ऊपर और साथ ही में सेटल भी हो सकेंगे। दोस्तों, इस अनाउंसमेंट में ये चीज नहीं बताई गई कि कितने वर्क वीजा इशू किए जाएंगे, लेकिन हर साल की तरह 1100 प्लस वर्क वीजा जो है वो इस कोटे के तहत इशू किए जाएंगे। अब बात करें दोस्तों कि कौन कौन इस वीज़ा को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस कोटे के तहत नॉन ईयू कंट्रीज वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर किसी भी नॉन ईयू कंट्रीज से हो अगर आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस वीज़ा के अंदर। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ इस वीज़ा को हासिल करने की ये है कि आपको एस्टोनिया से सबसे पहले जॉब ऑफर लेनी होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद ही आप इस वीज़ास के अंदर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, एम्प्लॉयर के लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखे कि अगर वो फॉरेन वर्कर को हायर करना चाहता है तो उन्हें एक एप्लीकेशन लिखना ज़रूरी है कि उन्हें एस्टोनिया से कोई भी वर्कर नहीं मिला उनकी जॉब के लिए, जिसके तहत वो फॉरेन वर्कर को हायर करना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, एम्प्लॉयर के लिए ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आने वाले फॉरेन वर्कर को उतनी ही सैलरी पे करे जितनी वो यहाँ पे रहने वाले वर्कर को किया करता था। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि एस्टोनिया के अंदर डिमांड के अंदर चलते हैं, मतलब हाई डिमांड ऑक्यूपेशन है, और कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बिल्कुल आसानी मिल सकती है एस्टोनिया के अंदर। नंबर 1 के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर, नंबर 2 के ऊपर इंजीनियरिंग, नंबर 3 के ऊपर मेडिकल ऑक्यूपेशंस, नंबर 4 के ऊपर मीडिया ऑक्यूपेशंस, इसके अलावा नंबर 5 के ऊपर कल्चर एंड आर्ट्स, इसके बाद नंबर 6 के ऊपर टेक वर्कर्स, नंबर 7 के ऊपर ट्रांसपोर्ट, नंबर 8 के ऊपर एजुकेशन सेक्टर, नंबर 9 के ऊपर हेल्थ सेक्टर और नंबर 10 के ऊपर टूरिज्म सेक्टर। दोस्तों, इन सेक्टर्स के अंदर आपको जॉब बिल्कुल आसानी मिल सकती है एस्टोनिया के अंदर। अब मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक ही सवाल होता है कि सर, कितनी सैलरी होती है अगर हम इन ऑक्यूपेशंस के तहत जाते हैं वहाँ पर एस्टोनिया में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज सैलरी की। तो एस्टोनिया के अंदर जो एवरेज सैलरी दी जाती है वो 585 यूरो पे की जाती है मंथली हर एम्प्लॉय को। अब अगर हम बात करें पाकिस्तानी करेंसी की, तो दोस्तों ये 1,13,000 रुपये बनती है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि एम्प्लॉयर जब फॉरेन वर्कर को हायर करता है, मतलब कि नॉन ईयू कंट्रीज से जब लोगों को वो हायर करता है, तो उन्हें जो सैलरी देनी पड़ती है वो 1460 यूरो सैलरी होती है, जो कि पाकिस्तानी 2,80,000 रुपये बनते हैं, मतलब कि सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साथ ही दोस्तों, एम्प्लॉयर जब नॉन ईयू कंट्रीज से फॉरेन वर्कर्स को हायर करता है और अगर वो इन ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल, इसके अलावा इंजीनियरिंग के शोबे से, तो दोस्तों उनको जो सैलरी दी जाती है वो डबल हो जाती है, मतलब कि 2800 यूरो तक जो है वो सैलरी दी जाती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी एक बड़ी अमाउंट बन जाती है, मतलब 5,00,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाती है एस्टोनिया के अंदर। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये एक यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जिसको बहुत गरीब कंट्री माना जाता है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता जा रहा है। अभी जो उसके न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम्स थे, लाइक न्यू डिजिटल नोमेड वीज़ा, इसके अलावा दूसरे भी और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इनके एस्टोनिया के, तो उसके हिसाब से ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा टॉप पर जाता जा रहा है।
दोस्तों आने वाले वक्त के अंदर आपको मजीद यहाँ से अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। साथ ही में यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर भी बहुत अच्छा है, अगर कोई टीचर वगैरह यहाँ पर पढ़ाने जाना चाहता है तो उनकी सैलरी भी यहाँ पर काफी अच्छी दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।